फ्रेंड्स, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिरोज, आपका अपना चैनल। दोस्तों, आज मैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। जैसे कि आजकल जो लेटेस्ट हैंडसेट है उसका FRP या फिर पैटर्न लॉक रिमूव करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, सर मेरे पास सेट आया था, मैंने ISP की है और ये सेट डेड हो गया है। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको आपको जहन में रखना है और इसे आपको थोड़ा सा सेफ्टी बरतनी है, सेफ्टी रख के काम करना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे आज पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि दोस्तों क्या होता है। जनरली प्रॉपर नॉलेज नहीं होने की वजह से बस ऑनलाइन कोर्स करते हैं और फ़ोन पे बस सुन लेते हैं क्या है क्या नहीं है, कैसे करना है। दोस्तों, मैं ये मानता हूँ जब तक आप प्रैक्टिकली अपने हाथों से, अपनी आँख से जब तक नहीं देख लेते सामने और अपने हाथ से किसी गुरु के सामने बैठ के अपने हाथ से प्रैक्टिकल नहीं करते आप, तब तक आपके अंदर का जो डाउट है वो क्लियर नहीं होता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ दोस्तों कि आप ऑनलाइन कोर्स मत करें, आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है, आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन है कैसे काम करना है, आपके पैसे हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो मेरा ये मानना है, मैं जब बहुत सारे स्टूडेंट को देखा हूँ, लोग आकर सीख कर जाने के बाद भी फिर भी डाउटफुल रहते हैं कुछ ना कुछ, तो ऑनलाइन में पता नहीं लोग कैसे सीख लेते हैं। तो दोस्तों, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, ऑनलाइन सीखना है ऑनलाइन सीखिए। एशिया टेलीकॉम में हमारे यहाँ पे ऑनलाइन हम कुछ क्लास नहीं लेते हैं। जैसा कि आपने देखा है, हमने जितनी भी क्लासेस होती है, चाहे हमारी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की क्लास हो, चाहे MMC की क्लास हो, चाहे आईफोन की क्लास हो, सब ऑफलाइन क्लास होती हैं। सब कुछ प्रैक्टिकली हम उनके सामने प्रैक्टिकल करके उनको बताते हैं, उसके बाद जो भी उनके पास मोबाइल होते हैं उनसे प्रैक्टिकली उसी पे काम करवाते हैं, उन्हीं से सेट को ऑन करवाते हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन जब आप UEFI और इजी जेटैक के साथ किसी भी मोबाइल का ISP आप कर रहे हो या फिर आप पैटर्न लॉक रिमूव कर रहे हो, तो इसमें जो चीज़ें हैं, अगर मैं यहाँ पे आज ये बात नहीं कर रहा हूँ कि IC खोल के किस तरह से करना है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपको कि ISP से किन किन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। जैसा कि दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है कि ISP किस तरह से बनाई जाती है, तो सारी चीज़ें हम हमारे ऑफलाइन कोर्स MMC कोर्स, जो कि हर महीना 5 तारीख और 15 तारीख से लगता है, इसमें सिखाते हैं। अगर आपको सीखना है तो नीचे दिए गए नंबर पे, नीचे देख सकते हैं आप, नंबर दिया गया है, मोबाइल नंबर, उस पर कॉल कर सकते हैं, उस पर मैसेज कर सकते हैं, अपना सीट बुक करवा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ISP के लिए आपको ये देखना होता है कि वो कौन सा मॉडल है और उसके अंदर कौन सा सेट लगा है, कौन सा CPU लगा है। जब आप देख लेते हैं, उसके बाद आपको सबसे पहले गूगल में ISP का उसका फ़ोटो निकालना है, या फिर किसी, अगर आपके पास है तो ठीक है। ISP आप पिक्चर निकालने के बाद दोस्तों आपको मल्टीमीटर से चेक करना है, क्योंकि कई मरतबा ऐसा होता है जिसने भी ISP बनाई है, हो सकता है उसने जो है ना थोड़ा सा मिस्टेक कर दी हो। तो बेसिकली क्या होता है, स्टूडेंट को पता नहीं होता है, जैसे ISP होता है उसी के जरिए वहां पे वो जंपर लगा देते हैं। दोस्तों, इसमें क्या होता है, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। एक तो जंपर आप लगा रहे हो, ग्राउंड जैसे एक कैपेसिटर पे आप लगा रहे हो, VCC या VCC लगा रहे हो, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप कौन से साइड लगा रहे हो। ग्राउंड के साइड तो नहीं लगा रहे हो वोल्टेज वाली लाइन, अगर आप VCC अगर ग्राउंड की तरफ लगा देते हैं, या तो आपका IC शॉर्ट हो जाएगा, या CPU शॉर्ट हो जाएगा, या फिर आपका बॉक्स खराब हो जाएगा, या फिर आपका एडेप्टर खराब हो जाएगा, जिससे भी आप लगा रहे हो। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मल्टीमीटर से चेक करिए, जहाँ पे रेजिस्टेंस मिलता है आपको कैपेसिटर पे, तो रेजिस्टेंस की तरफ आपको जंपर लगाना है, चाहे VCC का लगाते हो या VCC का। रही बात दोस्तों, और बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने ऐसे देखा है, ISP लगा रहे थे, ISP कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो इसमें बेसिकली वो क्या करते हैं, क्लॉक की और कमांड की जो लाइन होती है दोस्तों, इसमें जो जंपर लगाती है, हम MMC के साइड में लगाते हैं, लेकिन बेसिकली स्टूडेंट क्या करते हैं, नॉलेज नहीं होने की वजह से वो CPU के साइड में वो जंपर लगा देते हैं, और वो उनका जो PCB जो मोबाइल है, उनका जो MMC है, वो डिटेक्ट नहीं होता है इजी जेटैक या फिर UEFI के अंदर। तो आप जब क्लॉक का रजिस्टर के पास आप जंपर लगा रहे हो, तो MMC के साइड वाले हिस्से में आपको लगाना है, क्योंकि क्लॉक का जो हिस्सा होता है, एक CPU के साइड का होता है और दूसरा MMC के साइड का। तो बेसिकली स्टूडेंट क्या करते हैं, CPU के साइड जंपर लगा देते हैं, तो इससे वो मोबाइल कनेक्ट नहीं होता है। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपका IC कनेक्ट नहीं हो रहा है, UEFI में आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, या इजी जेटैक में आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पे उसकी फ्रिक्वेंसी को कम ज़्यादा करना है। फ्रिक्वेंसी को कम स्पीड करके 24 मिनिमम उसकी एक एवरेज स्पीड होती है 24 मेगाहर्ट्ज़, उस पर आपको रखना है, उसके बाद आपका कनेक्ट होगा।
इसी के साथ आपको चार्जर से, यूएसबी केबल से, चार्जर से आपको देना है, नीचे चार्जर लगाना है उसको, उससे VCC VCCQ प्रॉपर स्टेबल रहेगा। अगर आप VCC VCCQ लगाने के, जंपर लगाने के बाद भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आपको लगाना है USB केबल लगाइए। इसके बाद आपका मोबाइल, आपका जो IC है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। एक और चीज़ दोस्तों, ISP लगाने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारे टेक्नीशियन ये बोलते हैं, सर हमारा मोबाइल डेड हो गया है, और आइडेंटिफाई तो हुआ था, उसके बाद मैंने उसको फैक्ट्री सेट कर दिया, उसके बाद क्लियर FRP कर दिया, या ओप्पो मास्टर, वीवो मास्टर, या फिर कोई भी उसमें जो फाइल रिप्लेस करनी होती है, मिस्क फाइल या पारा फाइल जो भी है, इसमें वो करने के बाद मोबाइल डेड हो जाता है। तो इसमें बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसका जो बूट कॉन्फ़िगरेशन साइज होता है वो 00 हो जाता है, जिसकी वजह से आपका मोबाइल ऑन नहीं होता है। तो आपको ये चेक करना है कि उसका बूट कॉन्फ़िगरेशन जो साइज़ है वो 00 तो नहीं हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बूट कॉन्फ़िगरेशन साइज़ को चेक करना है, वापस से उसमें EXE/CSG फाइल डालना है, या फिर आप डायरेक्टली उसके अंदर ऑप्शन होते हैं UEFI और EasyTAC में, आप वहाँ से उसका बूट कॉन्फ़िगरेशन साइज़ दे सकते हो उसको, जो भी MediaTek हो, Qualcomm हो, SPD हो, या जो भी आपके पास हैंडसेट आता है। अभी बेसिकली तो मैक्सिमम जो आ रहे हैं MTK, Qualcomm, या फिर आप बात करें SPD के, 3 CPU सैमसंग में मिल जाते हैं, बाकी ओप्पो वीवो तो आपको मैक्सिमम Qualcomm और MTK ही मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों एक और चीज़, जो क्लॉक का रजिस्टर होता है वो 0 ohms का रजिस्टर होता है। तो स्टूडेंट और जो टेक्नीशियन जिसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, वो क्या करते हैं, बड़ा वाला आयरन लेते हैं या ज़्यादा हीट वाले आयरन से उस क्लॉक के रजिस्टर को जंपर लगाते हैं। उसके बाद वो जो क्लॉक का रजिस्टर था, जो कि 0 ohms का रजिस्टर था, वो क्या ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से आपका मोबाइल डायरेक्टली Qualcomm का सेट है तो Qualcomm पोर्ट बनाएगा, अगर MTK का पोर्ट है, MTK का सेट है, तो वो डायरेक्टली MTK USB पोर्ट बनाएगा। तो इसमें डायरेक्टली वो पोर्ट बनाएगा, आइडियल शॉट करे बगैर ही पोर्ट बनाता रहेगा। ऐसे में आप फ्लैशिंग करते रहेंगे उसको, आप परेशान हो जाएंगे कि सेट क्यों ऑन नहीं हो रहा है। इसमें तो आपको क्लॉक के रजिस्टर को आपको जंपर करना है। इसी तरह से दोस्तों, जो कमांड का रजिस्टर है, कमांड का रजिस्टर CMD जो इसे बोलते हैं, वो रजिस्टर भी आपका 10 kΩ के आसपास होना चाहिए। अगर वो 4-5 kΩ का हो जाता है, या फिर 10 kΩ से बढ़ के 20-25 kΩ हो जाता है, या फिर आयरन लगने की वजह से वो रजिस्टर अगर ओपन हो जाता है, तब भी आपका मोबाइल प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं आपको बेसिकली ओवरव्यू दे रहा हूँ, बहुत सी डिटेल में हमारी क्लास में EMMC के लैब में बताई जाती हैं कि कमांड के रजिस्टर में कौन सी सप्लाइयाँ आती हैं, क्लॉक की सप्लाई कैसे आती है, और आपको ISP किसी भी मोबाइल का किस तरह से बना सकते हो, आप किस तरह से ब्लैक पेस्टेड, वाइट पेस्टेड IC को खोलना है, कैसे आपको अनलॉकिंग करनी है, कैसे आपको प्रोग्रामिंग करनी है, किस किस जगह से आपको सावधानी रखनी है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है आपको ISP करने के टाइम पे, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है आपको MMC ब्लैक पेस्टेड या वाइट पेस्टेड को खोलने के टाइम पे, कैसे आपको CPU को सेव रखना है, कैसे CPU रिवॉल्व होता है, कैसे ब्लैक पेस्टेड, वाइट पेस्टेड, ओप्पो वीवो के हैंडसेट के आप CPU को बगैर बॉल को ब्रेक करे, बगैर उसको तोड़े, बगैर उसको ख़राब किए, कैसे आप आहिस्ता से, आप बहुत ही टेक्निकली आप निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको IC को और PCB को दोनों को सेव रखना होता है दोस्तों। अगर आप रिबॉलिंग भी कर रहे हैं तो सिर्फ बॉल अच्छे बनाने से काम नहीं चलेगा, आपको IC को भी सेव रखना है। अगर आप ब्लैक पेस्टेड या वाइट पेस्टेड आप IC उठा रहे हो, तो आपको PCB को भी आपको सेफ रखना है और IC को भी सेफ रखना है। सिर्फ खोलने से आपका काम नहीं चलेगा, IC भी सेफ होनी चाहिए, PCB भी सेफ होना चाहिए। तो बहुत सारी ट्रिकें हैं, बहुत सारी टिप्स हैं जो कि हम हमारी EMMC लैब में सिखाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, अगर आपको UEFI EasyTAC पूरा फुल प्रोग्रामिंग सीखनी है, किस तरह से बस अनलॉक करना ही प्रोग्रामिंग नहीं होती है, EMMC चेंज हो, चाहे MI के बहुत सारे हैंडसेट है जिसकी हम EMMC चेंज कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली बहुत सारे ओप्पो वीवो के हैंडसेट है रियलमी के जिसकी EMMC हम चेंज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बूट कॉन्फ़िगरेशन साइज, GPT राइट करना है या फिर रीपार्टीशन करना हो, या फिर आप, मैं आपको बोलूं अगर से बूट कॉन्फ़िगरेशन साइज चेंज करना हो, या बूट ROM2 ROM3 का साइज चेंज करना हो, या RPM भी चेंज करना हो, या किस तरह से आपको अपग्रेड करना है, या डाटा रिकवर करना है, किस हैंडसेट का डाटा हम रिकवर कर सकते हैं, फोटोज़, वीडियोज़, कॉन्टैक्ट्स, ये सारी चीज़ें हम EMMC की क्लास में बताते हैं। अगर आपको सीखना है तो हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, प्रॉपर चिप लेवल EMMC प्रो आपको सिखाया जाएगा, प्रो लेवल पे सिखाया जाएगा। शायद ही ये दोस्तों हमारे यहाँ जो स्टूडेंट सीख कर जाते हैं, वो कई सारे स्टूडेंट ऐसे जो कि अपना खुद का इंस्टीट्यूट डाल चुके हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो नीचे लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे इस चैनल को, ताकि मैं इस तरह के और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपको देता रहूं, और मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने फेसबुक पेज पर। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।